मेरे हाथ में ये पुस्तक है होमो डेउस, जिसके लेखक हैं युवा नोआ हरारी। इन्होंने बड़ी ही दिलचस्प बातें कही है। इन्होंने लिखा है, ज्ञान का विरोधाभास। इस चीज से आप समझ सकते हैं कि शाकुंड की यह धरोहर ज्ञान के विरोधाभास से भी जुड़ी है। मैं पेज नंबर 64 में मनुष्यों की जो कार्यशैली है, नई कार्यशैली, उसके बारे में इस शाकुंड की धरती को, शाकुंड की ऐतिहासिक बौद्ध भूमि को जोड़कर देखना चाहता हूं। आप समझें, जानें कि उन्होंने लिखा क्या है आखिर। उन्होंने 64वें नंबर पन्ने पर यह लिखा है कि 21वीं सदी में मानव जाति अमरता, परम सुख और दिव्यता को अपना लक्ष्य बना सकती है। कितने ही लोगों को नाराज कर सकता है, उनको हताश कर सकता है या डरा सकता है, इसलिए कुछ स्पष्टीकरण देना उचित होगा। सबसे पहले यह कि यह काम 21वीं सदी में ज्यादातर व्यक्ति नहीं करेंगे। यह काम मनुष्य जाति सामूहिक रूप से करेगी। ज्यादातर लोगों को इन मुहिमों में अगर कोई भूमिका होगी भी तो शायद छोटी मोटी भूमिका होगी। यह किताब मानव जाति की सोच पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से अपनी सोच को आगे लेकर जा सकते हैं। उन्होंने एक बहुत ही शानदार बात कही है, वो यह कि हमें अमरता, परम सुख और दिव्यता की तलाश में लगे रहना चाहिए। इन विशेष मुहिमों को अपनाना एक बड़ी भूल हो सकती है, क्योंकि इतिहास भूलों से भरा हुआ है। हमारे अतीत के किए धरे और हमारे मौजूदा मूल्यों को देखते हुए पूरी संभावना इस बात की है कि हम परम सुख, दिव्यता और अमरता हासिल करने की कोशिश कर रहे होंगे, भले ही यह कोशिश हमारी जान क्यों नहीं है। तीसरी कोशिश करने और हासिल करने में फर्क यह है कि इतिहास अक्सर अतिरंजित उम्मीदों का आकार लेता है। अतिरंजित उम्मीदें ये क्या कहती है? अतिरंजित उम्मीदें ये कहती है कि आप जो सोच रहे हैं उसकी उम्मीद भविष्य के किस गर्भ में है। क्या उम्मीद, आपकी उम्मीद उन आकांक्षाओं की पूर्ति करती है? अगर वह उम्मीद आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं करती तो क्या आप विद्रोह करेंगे? क्या आप इतिहास के उन तथ्यों को नकार देंगे जो ऐतिहासिक तथ्य शाकुंड के इसी पृष्ठभूमि पर जन्म लिया? इस बात को स्वीकार करने में हर्ज क्या है कि शाकुंड की भूमि बौद्ध विरासत है? आप अपने दिल के आकार को भी बड़ा कीजिए। यह सवाल इतिहासकारों के लिए भी है कि दिल का आकार आपकी उम्मीदों से बड़ा होना चाहिए, आपकी सोच से बड़ा होना चाहिए। इंडस न्यूज 24/7 के लिए कैमरामैन अलेक्स आर्या के साथ मैं डॉक्टर सोमनाथ आर्या, शाकुंड की इन्हीं पहाड़ियों के साथ।